ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए महेंद्र सिंह धोनी एवं कपिल देव, बी महेंद्र सिंह धोनी एवं रोहित शर्मा, सी महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, डी महेंद्र सिंह धोनी एवं विराट कोहली। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर विधिक सेवा संघ कार्यालय परिसर में बेरो टोक हथियार लेकर घूमते नजर आए व्यक्ति। भागलपुर जिला के विधिक सेवा संघ परिसर में दोपहर करीब 3:30 बजे हथियार से लैस एक व्यक्ति बेरोक टोक घूमते नजर आए। इस दौरान जब एक निजी चैनल के संवाददाता सहित अन्य मीडिया कर्मी ने जब हथियार से लैस व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार लेकर नहीं घूमने के बारे में बताया तो वे उलझ गए, बदसूलकी करते हुए हाथापाई पर उतर आए। यही नहीं, इस दौरान कैमरा छीनने का भी प्रयास किया गया। जब मामला बढ़ने लगा तब उस व्यक्ति ने अपने आप को एक समाचार पत्र का संवाददाता बताया, हालांकि अपना नाम और पूरा पता बताने से इनकार कर दिया और हथियार वैध है या अवैध उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब हो कि कोर्ट परिसर में कोई भी हथियार लेकर प्रवेश करना वर्जित है। न्यायालय परिसर को फायर आर्मी फ्री जोन घोषित किया गया है। केवल सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी ही हथियार लेकर इस परिसर में आ जा सकते हैं। नियम के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से शस्त्र लेकर विधिक सेवा परिसर में नहीं घूम सकते हैं। इसमें न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है। परिसर में शस्त्र लेकर घूमने पर सख्त कार्रवाई करने की बात है। जी सर, विधिक सेवा जो कार्यालय परिसर है वहाँ पर हथियार लेकर लोग घुस गए थे, उसमें ये क्या सही उचित जगह था? नहीं, दरअसल वो जगह प्रतिबंधित है। हाँ। और किसी भी तरह का हथियार लेके वहाँ प्रवेश करना वर्जित है। अधिवक्ता अपने लाइसेंसी हथियार को लेके आ सकते हैं, लेकिन अन्य कोई लोग वो हथियार लेके नहीं आ सकते हैं, चूँकि कई बार आपराधिक घटनाएँ घट चुकी है वहाँ पर। मोहम्मद आरजू की घटनाएं थी और कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हत्याएं हुई है, गोलियां चली है, बम्बार्डिंग हुआ है उसको परिसर में। इस वजह से हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया है। अगर इस पर भी अगर कोई इस तरह की बात करता है और कोई घुसता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। अब उसको लेकर आपके तरफ से क्या किया जाएगा? जिस तरह से हथियार नहीं, हम इस पर तहकीकात करेंगे। अगर हम फिर देखेंगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगे, अगर वैसा पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई अपने स्तर से भी करने के लिए तैयार। परिचय दे दीजिए। संजय कुमार मोदी, महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर। नवगछिया, सांसद कार्यालय के सचिव ने किया बिनटोली बांध का निरीक्षण। इस्माइलपुर बिनटोली बांध पर इस बार लगभग 40 करोड़ की लागत से किए गए कटाव रोधी कार्य हुआ है, लेकिन कार्य के प्रारंभ से ही अनियमितता को लेकर खास चर्चा में रहा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा सांसद को शिकायत करने पर संज्ञान में लेते हुए भागलपुर लोकसभा के सांसद अजय मंडल ने अपने कार्यालय के सचिव अभय किशोर सिंह को क्षेत्र परिभ्रमण के लिए भेजा। वहीं निरीक्षण के दौरान सचिव अभय किशोर सिंह ने बताया कि जितने भी कार्य देखे उनमें सिर्फ अनियमितता ही नजर आ रही है। छोटे छोटे बोल्डर लगाया हुआ है, जाली में भी जंग लग गया है। वहीं जियो बैग में मिट्टी भरकर रख दिया गया है और अधिकतर बोरा फटा हुआ नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि यहां सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। अभी भी लगातार गंगा के पानी में बढ़ोतरी हो रही है, गंगा बांध के नजदीक आ गई है, बांध पर भी पानी का दबाव बना हुआ है।
हमें माननीय सांसद भागलपुर के तरफ से निर्देश मिला कि बार बार जनता का फ़ोन आ रहा था, उसमें जो है सो जाकर थोड़ा निरीक्षण कर लीजिए, इस्माइलपुर साइड जो भी है वहाँ पर जो काम चल रहा है गंगा किनारे तटबंध में, तो यहाँ पर आकर के हमने देखा कि यहाँ पर जो भी बोल्डर वगैरह लगाया जा रहा है इसका वजन 40 किलो होना चाहिए और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 10-20 किलो का बोल्डर काफ़ी मात्रा में लगाया गया है, काम में काफ़ी अनियमितता किया गया है। और ये जो बैग भर के दिया गया है, इस बैग में जो है सो जियो बैग में भी काफ़ी जो है सो मिट्टी भर के लोग डाले हुए हैं और इधर पीसी बैग में भी जो है सो इसका गुणवत्ता सही नहीं है और इसमें किसी का 50% बैग का तो पैकिंग ही सही नहीं है, सारा निकल रहा है, खुला हुआ है, ये सारा बर्बाद हो रहा है, ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। SDO रविंदर कुमार के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि जो है सो काम जून में ही बंद हो चुका है और अब तो हम लोग वैसे यहाँ पर सिर्फ बैठे हुए हैं, और लेकिन देखने से हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ काफ़ी दबंग वगैरह को उन्होंने बैठाया हुआ है और वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी भी बात का उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। क्या आपका कहना है कि यहाँ पे दलालों का जमावड़ा है? बिल्कुल, यहाँ के यहाँ दलालों का जमावड़ा है और ये जो सरकार के लोग हैं एग्जीक्यूटिव साहब का इन्होंने नाम लिया, जो कि बोले कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं, सारा चीज़ आपको वही बताएंगे, जबकि ये SDO है, ये कितना का काम हुआ है ये खुद बता सकते हैं। काफ़ी पूछने पर इन्होंने बताया कि एक्सटेंशन वर्क जो 8 करोड़ का मिला था इसमें 1/3 काम हुआ है और तो कुछ भी बात बोलने से पहले ही बात को गोल कर जाते हैं। पिछली बार सांसद साहब भी आए थे, उन्होंने अनियमितताओं की बात उजागर की थी, लेकिन अभी तक सर कार्रवाई नहीं हुई है और आप ही का सरकार है। हाँ, इसके लिए सांसद साहब काफ़ी परेशान भी हैं और यहाँ के लोगों को पूछ भी रहे हैं, यहाँ के लोगों को पूछने पर ये लोग जैसे नवगछिया में महिलाओं ने अखंड सोहाग के लिए की हरितालिका तीज व्रत के अवसर पर नवगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड के सभी गांवों में शुक्रवार को महिलाओं ने अपने अखंड सोहाग के लिए निर्जला उपवास कर पूजा अर्चना किया। शाम होते ही सभी व्रतियों ने अपने अपना श्रृंगार कर खुशी से एक दूसरे को दुल्हन के रूप में संवारने में लगी थी। उसके बाद अपने सोहाग के लिए धूप दीप पान प्रसाद व अन्य पूजा सामग्रियों के साथ भगवान की आराधना करते हुए हरितालिका तीज पाठ का श्रवण किया। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी निवासी मोना भारती ने बताया कि उन्हें तीज का पर्व बहुत ही पसंद है, इस पर्व में तैयार होकर भगवान शिव व पार्वती की पूजा अर्चना करना उन्हें बहुत पसंद है, वे अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती है, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना महामारी है इसे भगवान भोलेनाथ जल्द ही समाप्त करें और लोगों का जनजीवन आम दिनों की तरह बनाएं। तीज के दिन नवगछिया में पंडित अजीत के वर्चुअल पूजा की धूम। तीज को लेकर नवगछिया में पंडित अजीत के वर्चुअल पूजा की धूम रही। बड़ी संख्या में महिलाएं जूम ऐप पर जुड़कर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महान व्रत तीज का अनुष्ठान किया। खुद पंडित अजीत भी इस पूजा की तैयारी शुक्रवार सुबह से ही कर रहे थे। पंडित अजीत ने कहा कि कोरोना काल में यह पूजा कैसे हो, यह उनके लिए और यजमानों के लिए चिंता का विषय था, लेकिन वर्चुअल पूजा ने सारी मुश्किलों को दूर कर दिया और सभी जगहों तक वे पहुंच पाए जहां तक वे सशरीर कभी उपलब्ध नहीं पाते। GS न्यूज को पंडित अजीत ने बताया कि हालांकि वर्चुअल पूजा में उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक संतुष्टि जरूर मिली है। पंडित अजीत ने यजमानों को सलाह दिया है कि जो भी रकम उनके दक्षिणा का बनता है वे गरीब और जरूरतमंद को बांट दें। अजीत ने कहा कि कई यजमान ने उन्हें वर्चुअल पूजा के वक्त दक्षिणा की पेशकश की, जिस पर उन्होंने दक्षिणा की रकम गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांट देने की सलाह दी है। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 67 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 67 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3350 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 5 वाहन से 6000 रुपये भी जुर्माना वसूल किया गया है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773।
93 043 67 170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया स्टेट टॉपर को SDO ने किया सम्मानित, बिहार में तीसरा स्थान लाकर मनीष ने किया नवगछिया का नाम रोशन। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले नवगछिया के हरनाथचक निवासी अजय कुमार और नीतू देवी के पुत्र मनीष कुमार को नवगछिया SDO मुकेश कुमार ने सम्मानित किया है। अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने अपने कार्यालय में मनीष को एक प्रमाण पत्र, एक मेडल और एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने मनीष के पिता अजय कुमार से मनीष के पठन पाठन के संदर्भ में पूरी जानकारी ली और मनीष के आगे की पढ़ाई पर खास ध्यान देने की भी सलाह दी। मनीष से बातचीत के क्रम में SDO नौगछिया ने आगे की पढ़ाई से संबंधित कई तरह के टिप्स दिए। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जो भी छात्र बेहतर पढ़ाई लिखाई करने को इच्छुक हैं, वैसे छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए प्रशासन हमेशा मदद करने को तैयार है। अनुमंडल पदाधिकारी ने मनीष के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और उसके परिजनों को शुभकामनाएं दी है। सरकारी हाई स्कूल से पढ़ करके पूरे बिहार में उन्होंने इंटर में थर्ड स्थान प्राप्त किया है। यह पूरे नवगछिया वासियों के लिए गौरव का विषय है क्योंकि इनके पिताजी एक साधारण दुकानदार हैं और यह बच्चा अपने बलबूते बिना किसी कोचिंग का, बिना किसी ट्यूशन का आगे भी IIT का तैयारी कर रहा है। प्रशासन इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जब भी इनको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम लोग इनके साथ रहेंगे। आज हम लोगों ने इनको मंडल में बुला करके उनका सम्मान किया है ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और जितने भी बच्चे हमारे इस नवगछिया क्षेत्र के हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए प्रशासन से, हम लोग हर समय उनके साथ रहेंगे। इस्माइलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, टापू में तब्दील, खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण इस्माइलपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। अनुमंडल मुख्यालय जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव होने के कारण प्रखंड मुख्यालय का संपर्क भंग हो गया है। प्रखंड की अधिकांश सड़कों पर बाढ़ का पानी बहने के कारण ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। इस्माइलपुर प्रखंड मुख्यालय जाने का एकमात्र रास्ता गोपालपुर सैदपुर से बिनटोली इस्माइलपुर तटबंध होकर जाने का बचा है। तटबंध पर बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक व कपड़े के घर बनाकर खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस्माइलपुर व मध्य विद्यालय तथा उच्च विद्यालय कमलाकुंड में बाढ़ का पानी जमा हो गया है। वहीं मंदत टोला से बीदी राय टोला जाने वाली सड़क पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। चंडी स्थान से केलाबाड़ी इस्माइलपुर जाने वाली सड़क पर भी पानी बह रहा है। जमींदारी बांध सहित इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्थित विभिन्न स्तरों पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। नवगछिया में 1 कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया के जमुनिया गांव में शुक्रवार को शिविर लगाकर कोरोना जांच किया गया। शिविर में कुल 40 लोगों का जांच किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि शिविर में हुए जांच में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रंगरा में 3 कोरोना पॉजिटिव। रंगरा में हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 PSC कर्मी और बनिया गांव का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। PSC प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि सबों को होम आइसोलेट किया गया है। मौत का सौदागर बना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31
मौत का सौदागर बन गया है। जंजर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के कारण नारायणपुर पसराहा के बीच रोज सड़क दुर्घटना हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नारायणपुर से पसराहा के बीच दसान क्षेत्र भी घोषित किया गया है, लेकिन नारायणपुर से पसराहा के बीच सड़क की स्थिति देखते ही बनती है। सड़क में जगह जगह गड्ढा है तो कहीं सड़क टूट गया है। सड़क की मरम्मति के नाम पर NHAI द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। नतीजा यह है कि सड़क में बना गड्ढा कभी भर नहीं पाता है। बरसात के दिनों में गड्ढा जानलेवा साबित हो जाता है। दिन हो या रात, सभी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खतरा बना रहता है। शुक्रवार के दिन नारायणपुर क्षेत्र में 4 दुर्घटना हुई। पेंट लगा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें पिकअप अकबर नगर के पिकअप चालक की जान चली गई। गिट्टी से लदा ट्रक पलटने पर सतीश नगर का साइकिल सवार मौत का शिकार हुआ। बिरबन्ना के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में जयपुर चूहरपुरा का अरविंद मंडल, उसकी पत्नी सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हो गए थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773, 93 043 67 170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।